हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे द हिस्ट्री ऑफ द एआई कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट स्टेज पर हमने मैच्योरेशन स्टेज, बर्थ स्टेज, गोल्डन ईयर। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट एआई विंटर 1974 से लेकर 1980 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बची हुई हिस्ट्री जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज फोर्थ स्टेज फर्स्ट विंटर एआई वो क्या है। द फर्स्ट एआई विंटर्स, सबसे फर्स्ट एआई का जो विंटर स्टेज था वो क्या था, द ड्यूरेशन बिटवीन द 1974 टू 80, जो ये ड्यूरेशन थी 1974 से लेकर 1978 तक, 80 तक, ठीक है, 1974 से लेकर 80 तक वाज द फर्स्ट विंटर ड्यूरेशन, वो सबसे पहली एआई की विंटर ड्यूरेशन थी। विंटर मीन्स विंटर, तो आप सभी को पता है क्या होता है, सर्दियाँ, तो विंटर की ड्यूरेशन थी द एआई विंटर मीन्स। अब यहाँ पर एआई विंटर का मतलब क्या है, अब हमारे अकॉर्डिंग जो हम नॉर्मल इस लाइन को रीड करेंगे तो यही मतलब होगा कि फर्स्ट एआई विंटर, सबसे पहली एआई की सर्दियाँ, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है, दैट इज नॉट द मीनिंग, ये मीनिंग तो नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है एआई विंटर का, एआई विंटर मीन्स दैट द टाइम पीरियड वेयर द कंप्यूटर साइंटिस्ट डील विद द सब स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एआई रिसर्चेस। अब जैसे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो एआई पर काम करते हैं, ठीक है, एआई का यूज करना चाहते हैं, एआई को रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाए, न्यू फैक्ट्स मिल जाए, तो उसको रिसर्च कर रहे हैं एआई को, ठीक है। अब वो जो एआई को रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्चेज ऐसी हो जाती है, नहीं ना, उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है, फंडिंग की नीड होती है, और ये फंडिंग देता कौन है, पैसे देता कौन है रिसर्चेज करने के लिए, गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एआई की रिसर्चेज पर बैन कर दिया, बैन तो नहीं किया कि एआई रिसर्चेस नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं, बट उन्होंने फंडिंग देने से मना कर दिया। फंडिंग नहीं देंगे तो रिसर्चेस का काम आगे कैसे होगा, ठीक। तो जब एआई के रिसर्चेस में स्टॉपेज आ गई, शॉर्टेज आ गई, फंडिंग में पैसे कम हो गए, फंडिंग आना जो है वो बैन हो गया, तो कैसे करेंगे एआई की रिसर्चेस, नहीं कर पाएंगे। अगर जो साइंटिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग पे फंडिंग करेंगे, देन इतना फंडिंग तो नहीं कलेक्ट हो पाएगा जितना कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिए, है ना। तो फंडिंग की शॉर्टेज, जो फंडिंग की शॉर्टेज है उसी को हम एआई के फर्स्ट विंटर कहते हैं, जो 1974 से 80 के ड्यूरेशन में आए। ड्यूरिंग दिस इज एन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिसिटी एआई वाज डिक्रीज, इस टाइम पर जो एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर एआई को लेकर कि एआई क्या है, एक नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, एआई से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट था ना, वो कम हो गया। अब पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट कम हो गया तो गवर्नमेंट तो ऐसा करेगी करेगी कि वो फंडिंग में शॉर्टेज कर दे, गवर्नमेंट का जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो गवर्नमेंट फंडिंग क्यों देगी, ऐसी चीज पे गवर्नमेंट क्यों अपना फंड वेस्ट करेगी जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है, पब्लिक जानना ही नहीं चाहती उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और ज्यादा रिसर्चेस तो वो उसमें करेंगे जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, बट साइंटिस्ट का इंटरेस्ट उसमें था क्योंकि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रिसर्चेस करना चाहते हैं, करना चाहते थे और उसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते थे, जो उनकी नॉलेज थी अबाउट द एआई उसको और इंक्रीज करना चाहते, ठीक है। बट शॉर्टेज ऑफ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, फंडिंग की शॉर्टेज की वजह से वो जो स्टॉपेज लग गए, किस्म से एक टाइम से स्टॉपेज हो गया कि गवर्नमेंट ने किस्म से बैन नहीं कर दिया आप ये कह सकते हो, और ना ही फंडिंग मिलेगी ना ही रिसर्चेज आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आता अ बूम ऑफ एआई, दैट इज अ बूम ऑफ एआई 1980 से 1987 तक। सबसे पहले 1980 की बात करते हैं, जब एआई विंटर फिनिश हुआ, खत्म हुआ एआई विंटर स्टेज, द एआई कम बैक विद द एक्सपर्ट सिस्टम फॉर द डिसीजन मेकिंग। एआई जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया डिसीजन मेकिंग में, मतलब एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो किसी एक सिंगल फील्ड में एक्सपर्ट है। सिस्टम क्या होते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो किसी ना किसी एक सिंगल फील्ड में एक्सपर्ट है, डिसीजन मेकिंग में वो एक्सपर्ट है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसके लिए एआई का यूज किया गया, ठीक है। तो एआई का यूज जब 80 तक बैन हो गया था, फंडिंग नहीं मिल रही थी, रिसर्चेस रुक गई थी, उसके बावजूद भी 1980 में एक ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम आया जो डिसीजन मेकिंग कर सकता था विद द हेल्प ऑफ एआई। इन दिस ईयर द 1980 द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एआई वाज हेल्ड एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके कहने का मतलब ये है कि इस ईयर में 1980 में एक सबसे फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया अमेरिका में, किसने किया, अमेरिका एसोसिएशन ने, हेल्ड एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद 1987 से 1993 तक कौन सा स्टेज आया, द सेकंड एआई विंटर। अब देखो फर्स्ट टाइम जो था 80 तक, तब स्टॉपेज लग गया था, एक फर्स्ट एआई विंटर आया, उसके बाद फिर से 80 के अंदर ही एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया जो डिसीजन मेकिंग कर सकता था,
जिससे पब्लिक के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट फिर से जागना स्टार्ट हुआ, थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया पब्लिक ने। बट 1987 के बाद 1993 तक फिर से एक और सेकेंड AI विंटर आ गया। मतलब फिर से गवर्नमेंट ने जो एक इंटरेस्ट था पब्लिक का वो हट गया, गवर्नमेंट ने फंडिंग फिर से क्लोज कर दी AI को लेकर। ठीक है, द ड्यूरेशन बिटवीन द ईयर 1987 टू 1993 वाज सेकेंड AI विंटर। वो सेकेंड AI विंटर का स्टेज था इस ड्यूरेशन में। अगेन इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट स्टॉप फंडिंग। वापस से जो इन्वेस्टर्स थे, जो गवर्नमेंट थे, जो फंडिंग दे रही थी AI रिसर्चेस के लिए, उन्होंने वापस से स्टॉप कर दिया अपने फंडिंग को कि अब हम फंडिंग नहीं देंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे AI रिसर्चेस के लिए, एज ड्यू टू द हाई कॉस्ट बट नॉट एफिशिएंट रिजल्ट। क्योंकि फंडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट रिसर्च में रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब हम आगे से आगे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे तो कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जिस अकॉर्डिंग कॉस्ट लग रही थी, इतनी हाई कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने और इन्वेस्टर्स ने वापस से फंडिंग क्लोज कर दी 1987 से 1993 तक। तो सेकंड विंटर स्टेज द एमर्जेंस ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंट, दैट इज 1993 टू 1211। ठीक है, मतलब 1993 से 2011 तक कौन से बदलाव हुए इस AI की हिस्ट्री में, वो देखते हैं। ईयर 1997 में क्या हुआ, IBM डीप ब्लू बीट्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। IBM ने एक जो कंप्यूटर सिस्टम का एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया डीप ब्लू के नाम से, ह्यूमंस में जो चेस चैंपियन था उसको बीट कर दिया। बीट करने का मतलब उसे जीत गया, विन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में अच्छा था। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम में या किसी एक अलग से किसी भी फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, ठीक है, जिसके डिसीजन मेकिंग वो खुद से कर सके। तो डीप ब्लू जो था IBM का, उसने बीट किया चेस चैंपियन को। फिर ईयर 2002 में क्या हुआ, द फर्स्ट टाइम AI एंटर द होम इन द फॉर्म ऑफ रोमा एंड वैक्यूम क्लीनर। अब जो सबसे फर्स्ट, जब ह्यूमंस ने, जो नॉर्मल पर्सन हैं, उन्होंने AI का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब तक तो जो हो रहा था गवर्नमेंट और साइंटिस्ट रिसर्चर्स के बीच में हो रहा था, लेकिन जब 2002 ईयर की बात हुई तो उस टाइम पर क्या हुआ, अब ह्यूमंस ने जो नॉर्मल पर्सन से डेली यूज में अपने होम में उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया AI से बने हुए गैजेट्स को। गैजेट्स जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमंस ने। ये इंटेलिजेंस पर्सन थे जिनको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मिली वो उसका यूज करते रहे, उसको कंज्यूम करते रहे। फिर 2006 में क्या हुआ, AI कम इन द बिजनेस वर्ल्ड टिल द 2006 कंपनीज लाइक द फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द AI। 2006 तक जो इतने बड़े बड़े बिजनेस के वर्ल्ड में बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, दैट इज जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, इन सब ने क्या करा, AI का यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या करा इन्होंने 2006 में, जो इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, जैसे कि बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है, इन सब ने AI का यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे और ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। इनका जो प्लेटफॉर्म था फेसबुक, ट्विटर, इन सब के फीचर्स जो है इंक्रीज हो गए। और लास्ट स्टेज इसमें आता है, दैट इज डीप लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2011 टू प्रेजेंट। 2011 से लेकर अब प्रेजेंट तक, जिस भी हम ईयर में है 2024, तो इस ईयर तक डीप लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का जो है और ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी। 2011 में क्या हुआ, IBM won a quiz show where was it solved the complex question as the riddles। अब यहाँ पर IBM ने जो जियो पार्टी बनाया था उसने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स रिडल, रिडल्स जैसे पहेलियां होती हैं, उनको सॉल्व किया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्विज को सॉल्व किया एक क्विज क्वेश्चन में। 2012 में गूगल ने क्या किया, गूगल वाज लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप फीचर्स, गूगल नाउ, एक एंड्रॉयड ऐप फीचर लॉन्च किया गूगल ने गूगल नाउ के नाम से, विच वॉज एबल टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड प्रोडक्शन, जो यूजर और उसकी प्रोडक्शन के बारे में प्रिडक्ट कर सकता है। 2014 में क्या हुआ, इन दिस ईयर द चैटबॉट वॉज वॉन द कॉम्पिटिशन इन द फेमस ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट 2014 में वापस से क्रिएट किया गया, वापस से ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें जो चैटबॉट था उसने कॉम्पिटिशन को विन कर लिया। इससे हमें पता लगा कि जैसे 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 टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और AI के जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। फिर 2018 में एक प्रोजेक्ट था, डिबेटर्स फ्रॉम द IBM डिबेटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, टू मास्टर डिबेटर्स एंड ऑल्सो परफॉर्म द एक्सट्रीमली वेल, जो दोनों ही एक अलग से प्रोजेक्ट थे, उन पर डिबेट करनी थी, डिबेट में कंप्यूटर सिस्टम जो है वो विन करते हैं।
लास्ट में कंक्लूजन क्या है, नाउ डेज कंपनीज लाइक द गूगल, फेसबुक, IBM, Amazon are working on the AI. ये जितनी भी कंपनीज है जैसे गूगल, फेसबुक, IBM, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, Amazon, ये सब क्या कर रही हैं? इस टाइम AI पे वर्क कर रही हैं. द फ्यूचर ऑफ द AI इज इंस्पायरिंग एंड वेल कम विद द हाई इंटेलिजेंट. जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी और AI जो है वो अपनी हाई इंटेलिजेंस के साथ प्रूव होगा. तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ द AI को डिस्कस किया, कम्प्लीटली डिस्कस किया. अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आप CSE में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSE स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले. वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें.